हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ काजल और आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम हैं यहाँ पर मानसी के पापा के घर पर, और यहाँ पर हम लोग ने कुछ खाना चल रहे हैं बनाने हम, और चिकन मंगाए हुए हैं। और बहुत दिन से मन कर रहा था, दो चार दिन हो गया था खाए हुए चिकन, तो बहुत दिन हो गया था खाए हुए, तो सोचे यहीं पर बनाते हैं सब लोग खा पी के, और देखते हैं शाम तक निकलेंगे। और बने रहिए आप सब, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी देख सकते हैं कोई नहीं, एकदम सुनसान है। मानसी पापा, मानसी और उनके दादी चाचा सब लोग बाहर में हैं, हम ही अकेले हैं। और चलिए फटाफट बनाते हैं। मानसी पापा आ रहे हैं। सुनतनी है नाम, यहाँ रखे हुए हैं दादी। मसाला सब होगा? ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं पूछती भी नहीं हूँ डॉ से, इनके मामले से कुछ जल्दी। अभी सुचाचा में से आए थे मसाले लेके, अभी सब लोग खाए हैं हम लोग, और अब चल रहे हैं बनाने। तो देख सकते हैं इधर में सामान है, अभी ये ही किचन है, तो किचन अभी अच्छा से बना नहीं है। और बाकी चलिए लहसुन उसन छीलती हूँ, और मीट मसाला मानसी के पापा जी से मंगाती हूँ। मानसी के पापा छत पर है, इधर है जीरा मिर्च। में पूछती हूँ सासू माँ से कि सिलवट किधर है, मुझे नहीं पता। बताइए, 5 साल हो गया शादी को, लेकिन हमको सिलवट लौटा नहीं है, पता कि कहाँ है ससुराल में। चलिए कोई बात नहीं, मैं पूछ लेती हूँ सारी चीजें किधर क्या है। फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं हमने चिकन मंगाया है, 1 kg से बेसी है, मतलब एक खड़ा मुर्गा हमने मंगाया था। और देखिए अच्छा से नहीं काटे हैं साफ से, तो इसको अच्छे से धोएंगे। और चलिए आप सब बने रहिए। तो फ्रेंड, अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, चावल कट रहे हैं, जो कि ये खेत से आता है। हम लोग मतलब खेत से जो धान होता है ना, वो वाला है जो खरीद के हम लोग तो खरीद के खाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास अभी खेत हम लोग नहीं रोपते, इसलिए ये कुटाया हुआ है। तो इसमें ना एक एक धान रहते हैं, तो उसको मैं अच्छे से चुन लेती हूँ, फिर इसको झटकना पड़ेगा, तो झटक भी लूंगी, इतना सारा चावल बनाऊंगी मैं। और चलिए आप सब बने रहिए, दिखाती हूँ मैं आप सभी को। देख सकते हैं ये वाला चावल, और इसमें ना इस तरह का धान होगा ये वाला, तो इसी को निकालना होगा। चलिए निकाल लेते हैं। मानसी के पापा है छत पर, और देवर जी है रूम में, मानसी और दादी उनकी सब लोग बाहर में हैं। चलिए मैं बीन लेती हूँ सारे को। इधर देखिए इतना सामान रेडी कर लिया है, और तो इधर देखिए इतना सामान रेडी कर लिया है, चावल बैठा दिए हैं, अब चल रहे हैं गैस को धरा देते हैं हम। फ्रेंड, इधर हम कढ़ाई बैठा दिए हैं, इधर चावल बन रहा है। और चलिए मैं सरसों तेल ये भी डालती हूँ, और एक पैकेट मंगाई भी हूँ, 1 डिब्बा। तो पहले इसको ख़त्म कर देती हूँ, ए या वही मेरा तेल मंगाई। और तड़का प्लेस में गरम मसाला डालती हूँ, इलायची, दालचीनी, तेजपात पत्ता, और इतना सारा ऑयल डाले हैं। अब ये पक जाएगा तब जाके ओनियन डालेंगे, या फिर हरा मिर्च ऊपर से जाएगा। चलिए ये पक चुका है थोड़ा बहुत, इसमें हम प्याज डाल देते हैं और हरा मिर्च ऊपर से डालेंगे। तो चलिए डाल लेते हैं। इसमें देख सकते हैं हमने नमक ऐड कर दिया है, और इसको भून लेते हैं, इसे बहुत ज़्यादा है ना, तो चल ही नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, दोनों हाथ से मैं पकड़ के इसको चलाती रहती हूँ और भून लेती हूँ। नमक ऐड कर दे तो पानी इसमें से छोड़ेगा। बाकी मैं बैठ के आराम से मोज से बना रही हूँ, बाहर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता आइडिया नहीं है, तो इसलिए बनाती रहती हूँ। तो अभी देख सकते हैं इसको भून लिया, अब चल रही है मसाला ऐड करना, साथ ही पक जाएगा, तो चलिए ऐड करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, अभी देख सकते हैं चिकन को मैं भून रही हूँ, और क्या बताऊँ, इसमें से मस्त वाला खुशबू आ रहा है, इतना टेस्टी वाला। चलिए लगभग भून ही चुकी हूँ मैं, उसी टाइम मैं मसाला ऐड कर देती हूँ, बट दिखा नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, तो बनाने में थोड़ा वो लग रहा है, बनाऊँ कि दिखाऊँ कि क्या करूँ। और इसमें ना अभी अंधेरा टाइप का है, तो मैं फ़ोन का टॉर्च जला जला के सारा कुछ कर रही हूँ। और बाकी इधर धनिया पत्ता मैं रखी हुई हूँ, और चिकन बन जाएगा सारा, तो मैं अच्छे से करूँगी। इधर चावल तो बन गया हमारा, देख सकते हैं एकदम ठका ठेल वाला, उनको अंदाज नहीं है कहीं जा सकती, सासू माँ का नाम सुनना पड़े, क्योंकि मैं पूछी भी नहीं थी, गई थी तो बाहर में भी वो नहीं थी,
अनार अंदर लगी, तो मैं फिर से पूछ के वैसे ही अंदाजे बनाते हैं। रात को भी उसे ना खा लेंगे तो अभी, और लंच तो होगा ही इसी से। चलिए तो फ्रेंड, चलिए इसमें मैं डाल देती हूँ, और फोन का टॉर्च नहीं जल रहा है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। फ्रेंड देख सकते हैं इधर पूरा पानी ऐड कर दिए हम, और इसको हमें ढक देते हैं। भून के भी निकाली थी थोड़ा देवर जी के लिए, बोले थे भून के निकाल दीजिए, तो इसको ढक के अभी पकाएंगे। अच्छे तरीके से पका लेते हैं, उसके बाद ऊपर से धनिया पत्ता ऐड करेंगे। आके ये घुस के सो के कहाँ बात कर रहे थे हमसे, बताइए ना। रो कर रहे थे आप, कर रहे थे को। तो आप मेरे मोड़ी से हाथ रख के बोले नहीं, मैं मर जाऊंगी। और देखिए देखिए कैसे, देखिए कैसे बोलते हैं ऐसे। फेसबुक को अपलोड करो, उस टाइम से हो ही नहीं। और देखिए मेरा चिकन बनके रेडी है, और मस्त चिकन खाना ही खा लूंगा आपके लिए। कल को बोलिए मम्मी को बुला के लाइए सबको, ठीक। मैं निकालती हूँ, गर्म गर्म खा लीजिए सब लोग, ठीक। और हमारा चिकन बनके रेडी है, अब सारे लोग के लिए मैं खाना परोसूंगी, है ना। क्यों मुस्कुरा रहे हैं तब, क्या बात है? मेरा गलत कसम खाया ना, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। जब फटका फटका में हो गए हमने क्या देखे, मामी आई तो बोलेगी डैड, तो ससुराल आके हो गया भीषण युद्ध, ऐसे लिखेंगे टाइटल, भीषण युद्ध पति पत्नी में। और इसमें हम धनिया पत्ता छिड़क के ढक दूंगी मैं। प्याज का छिड़क, अरे एक तो पड़ गया, देखिए ना एक तो पड़ गया, उसी टाइम से बहारे में है। मेरे पास एक बार आई थी पानी पीने के लिए, और मैं उसी टाइम से ही बैठ के अंदर ही हूँ। देख रहे थे कितना टेस्टी बनाई हूँ मैं, ऐसा आप बनाते हैं कभी? मानसी के पापा से ही मैं चिकन बनाना सीखी हूँ, मुझे चिकन बनाना नहीं आता था मैं जब आई थी तो, है ना। डेली डेली भूज भूज के पता ना क्या क्या डाल के हमको बनाते बनाते सिखा दिए है। तो अब मैं बना लेती हूँ अच्छे से सारा चीज। 2 साल से मैं प्रॉपर सारा चीज सीख गई, नहीं तो शुरू शुरू में हमको उतना अच्छे से चिकन बनाना नहीं आता था, नोएडा का चावल बनाना नहीं आता था, है ना। खाना बन गया है, रहने देते हैं, और चलिए बाहर में देखती हूँ मैं कौन कौन है, और पूछती हूँ खाना खाने का। इसमें नहीं है कोई भी, तो फ्रेंड अभी शाम का टाइम हो रहा है, और देख सकते हैं हम लोग खाना वाना खा रहे हैं, और पानी ना बाहर का पिया जाता है, तो हम कितना टाइम से तब जाके ये पानी लाए हैं। क्या बोल रहे थे? तो अभी मानसी पापा खा लिए थे, हम भी खा लिए थे, और सासू माँ बोल रही थी कि अभी मैं नहीं खाऊंगी, शाम को खाऊंगी, नहीं तो रात को नहीं खा पाऊंगी, गैस हो जाएगा। और हम इसलिए खा रहे ना क्योंकि हमको निकलना अभी, और दादी घर पर नहीं है, और कलू बाबू है मेरे देवर जी, वो मैं भूनी थी तभी 2-4 पीस खा लिए थे और चले गए हैं मैच खेलने। तो हम लोग अब चल रहे हैं, निकल रहे हैं, और सोच रहे हैं कि थोड़ा सा छत पर आप लोग का छत का नजारा दिखाए, छत पर थोड़ा सा देख लेते हैं मैं। शाम का टाइम हो रहा है तो इस टाइम तो कोई नहीं होगा, अभी घिरा हुआ है, कैसे जाएंगे धूप। फ्रेंड अभी हम लोग खाना वाना खा के निकलने वाले थे, बन गया था। और मानसी बेटा पता नहीं किस फ्रेंड के साथ चली गई खेलने, दादी बोली थी उनकी सासू माँ कि खेलने दो, मतलब आस पड़ोस गई थे तो उनके घर शायद चली गई है। और देखिए गए हैं दोनों लोग उनको बुलाने, देखिए लेके आ रहे हैं उधर, देख रहे हैं कैसे फ्रेंड लोग भी बना लिए। उनकी दादी गई इधर ढूंढने, इधर हाँ वो गई उधर, और आ रहे हैं लेके। हाँ क्यों उदास हो? नहीं यार खेलने जाना है आपको, तो घर कब चलेंगे? कब चलेंगे घर? मम्मी मुझे ना छोटा सा दीदी घर घूम कर आना है। हाँ चलो चलो दीदी घर घूम लेना। तो फ्रेंड हम तो यहाँ से अब निकल रहे हैं, पर्स मेरा रेडी है, और चलिए आप घर पर चल के आप सबसे मिलते हैं, क्योंकि बहुत शाम हो चुका है और ठंड का मौसम है। तो मानसी को टोपी पहना दूंगी मैं, अपना शॉल ओढ़ लूंगी, और फिर बस निकलेंगे फटाक से। हम लोग नहीं रुक रहे हैं, कुछ रीजन है, इसी वजह से घर पर चल के आप सबको बताते हैं कि हम यहाँ क्यों नहीं रहते हैं रात भर भी, कभी भी नहीं रहे हैं। मानसी भी थे तो रात भर नहीं थे, हम लोग 10-11 बजे तक सोए थे, तब तक कुछ चीजें ऐसी हुई कि हम लोग को 10-11 बजे रात को ही घर छोड़ के जाना पड़ा। और तब से लेकर मैं आज तक मतलब नहीं रुकी, उस दिन मेरे देवर जी का बराच्छा था उस दिन भी मैं रुकी थी, बस कुछ ऐसी चीजें हुई कि हमको जाना पड़ा घर। मानसिंह पापा चले भी गए थे,
कि मैं रुकूंगी, बट उनको बुला के कौन सी ऐसी बात हुई कि जाना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, मैं चल के घर पर शेयर करती हूँ कि क्यों नहीं यहाँ पर रुकते हैं हम लोग।